हेलो दोस्तों, यहाँ पे अगर दोस्तों आपको व्हाट्सएप के एप्लीकेशन में वीडियो कॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लर का प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे वीडियो जो है ब्लर होके आपको दिखाई देता है, तो फिर इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ पे कई बार जो है ब्लर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो कि आपके फ़ोन में बेसिकली इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे अगर आपके मोबाइल में सही से नेटवर्क नहीं रहता है और उस टाइम यहाँ पे आप वीडियो कॉल करते हैं, तो उसी के वजह से दोस्तों प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपने मोबाइल पर इंटरनेट को चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर इंटरनेट ही ठीक से नहीं रहेगा तो फिर ये जो है आपको ब्लर होके आपको दिखाई देगा। ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ना सबसे पहले तो आपको नेटवर्क को चेक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को अपडेट करना है, यानी कि जो व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है आपको उसको अपडेट कर लेना है। ओके, व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है और एप्लीकेशंस में जाना है और ऑल एप्लीकेशन में क्लिक करिए। फिर यहाँ से आपको इस तरीके से व्हाट्सएप लिखना है और उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको परमिशंस में जाना है और यहाँ से आपको परमिशंस को अलाउ कर लेना है। बेसिकली अगर आप इसमें परमिशंस को अलाउ नहीं करते हैं ना दोस्तों, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, तो परमिशंस को अलाउ कर लीजिए और अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना है, या तो फिर अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेना है। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने फ़ोन में जो कैमरा एप्लीकेशन है उसको जो है थोड़ा क्लियर कैचे कर लीजिए, हो सकता है कि क्लियर कैचे करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ें भी आप लोग करके देख सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।